आइए दोस्तों, विद्या किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैंने यहाँ पे वेज पनीर रोल तैयार किया है। ये देखिए, बड़े और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक और टेस्टी है। तो दोस्तों आप इसे सुबह नाश्ते में बनाइए। तो चलिए मैं आज इसकी आपको रेसिपी बनाना सिखाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं हम यहाँ पे वेज स्प्रिंग रोल दोस्तों। और उसके लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले हम देखिए हम बताते हैं आपको। यहाँ हमने ये देखिए बारीक कट करके हमने पत्ता गोभी रखी है, एक शिमला मिर्च ली है, एक ही हमने गाजर और एक प्याज का इस्तेमाल किया है। और ये हमने 30 ग्राम से 40 ग्राम के करीब हमने पनीर का यूज करना। और ये हमने 3 हरी मिर्च काट के रखी दोस्तों। और यहाँ हम 100 ग्राम मैदे का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो हम इसमें ऑयल डालेंगे एक बड़ी चम्मच। दोस्तों हम यहाँ अंदाज से एक बड़ी चम्मच ऑयल डाल देते हैं। ये देखिए हमने एक बड़ी चम्मच ऑयल डाला। जब तक दोस्तों ऑयल गर्म हो रहा है, तब तक हम अपनी मैदे को पानी डाल करके अच्छे से इसका घोल तैयार कर लेते हैं। हमें इसका रोल तैयार करना है, इसलिए हम इसकी पहले शीट तैयार करेंगे। तो शीट तैयार करने के लिए दोस्तों हमें मैदे को घोल बनाना है इसका पतला। तो पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देते ऐड करेंगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो दोस्तों ये देखिए आप मैदा देख सकते हैं, अभी इसमें अच्छे से फिटी नहीं है। तो हम इसको आराम से फेंट लें, किसी बड़े बर्तन में डाल के फेंट लीजिए। और पानी जैसे हमने कहा कि आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, क्योंकि हमें इसकी शीट तैयार करनी है। यहाँ पे अभी इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड कर रहे हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा पतला और हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरह से पतला रखना है दोस्तों। ये देखिए कि हम जब ऊपर से गिरा रहे हैं तो ये आराम से गिर रहा है। अगर दोस्तों आपको इस तरह से चम्मच या चमचे की सहायता से घोलने में दिक्कत हो, तो आप इसे हाथ की सहायता से अच्छे से फेंट लीजिए। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया, तो हम इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं। साथ में हमने जो प्याज कट करके रखा उसे भी डालेंगे। और ये हम जितनी सब्जियां हमने कट करके रखी है वो सारी सब्जियां एक साथ इसमें मिला देते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, हमने सारी सब्जियां अच्छे से डाल दी हैं। अब दोस्तों इसमें हम एक चम्मच लगभग विनेगर डालेंगे। चम्मच हम यहाँ पे विनेगर डालने दोस्तों। और अब एक ही चम्मच दोस्तों हम यहाँ पे सोया सॉस डालेंगे। देखिए हमने और इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया। इन सब्जियों को दोस्तों हमें यहाँ पे आधा ही पकाना है, हमें इन्हें पूरा नहीं गलाना है, सिर्फ हम इनको आधा पकने देंगे। यहाँ हम आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं और आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक रखिएगा। इसमें आधा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इन सब चीज़ों दोस्तों देख सकते हैं आप, ये आधी सब्जियाँ अच्छे से पक गई हैं और आधी अभी खड़ी है थोड़ी सी। तो हम इसको बंद कर देंगे गैस को। अब अब दोस्तों हमने दूसरी शेड में ये तवा गर्म करने के लिए रख दिया है, इस पर हम सीट तैयार करेंगे। और एक साइड में हमने कढ़ाई गर्म करने के लिए रखी है, जिसमें हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। इसको हमें इसमें तलना है, या आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं या अच्छे से सेक भी सकते हैं। दोस्तों हमारा तवा बहुत ज़्यादा हीट नहीं हो पकड़े, बस नॉर्मल गर्म हो जाए और हम गैस को स्लो कर देंगे। तो दोस्तों तवा गर्म हो गया है, अब हम इस पर ऑयल लगा देते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना हमें, बस थोड़ा सा ऑयल हम लगाते हैं, जिससे हमारी सीट इससे चिपकेगी नहीं। अब जो हमने मैदे का घोल बना के रखा है दोस्तों, देख सकते हैं सीट बनाने के लिए इस तरह से पतला है और इसमें एक भी लम्स नहीं है। अब हम इसको इस तरह से फैलाएंगे कि ये पूरा अच्छे से फैल जाएगा। और इसको जितना भी आपने फैलाया पतला पतला फैलाइए और इस तरह से हम इसे चारों तरफ से। तो दोस्तों सीट हमारी एक साइड से हमको इसको
पकने देना है और दूसरी साइड से हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है। अभी जब तक ये पकेगी नहीं दोस्तों तब तक आप इसे बिल्कुल टच नहीं कीजिए, और जब आपकी ये सीटी साइड से पक जाएगी तो इस तरह से वो बिल्कुल बाहर निकलने लगे। ये देखिए जैसे हम लोग दोस्तों हमने बताया था कि इस सीखने के बाद सीट अपने आप निकलने लगती है, तो आप ये देखिए इतने आसानी से ये सीट बाहर निकल आई। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह हम बाकी सीट तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम पीच रोल बनाएंगे। और दोस्तों सीट को थोड़ा सा आप मोटा रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे हम लोग नॉर्मल रोटी बनाते हैं घर में वैसे ही हम इसे थोड़ा सा मोटा फैलाएंगे, क्योंकि सीखने के बाद ये थोड़ा पतला हो जाता है। अगर आप ज़्यादा पतला लेंगे दोस्तों तो आपको इसे निकालने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप पहली बार बना रहे होंगे, तो आप इसे हल्का सा मोटा रखें बहुत ज़्यादा। दोस्तों हम यहाँ पे रोल को फ्राई करने के लिए ऑयल डाल दिया है हमने कढ़ाई में, और ये गर्म होने देंगे हम जब तक। दोस्तों अब हम इसको शीट के अंदर, हम यहाँ सब्जियाँ तैयार जो हमने की हैं वे उसको अच्छे से हाथों की सहायता से इस तरह से भर दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा जितना बच्चे खा सकते हैं उतना इसमें डालिएगा। और इसमें ऊपर से हम पनीर डालेंगे, वेज पनीर स्प्रिंग रोल बना रहे हैं। तो अब इसमें हम यहाँ पे मैगी मसाला थोड़ा सा डाल देते हैं बच्चों के टेस्ट के लिए, और थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों से आराम से हमें कवर करना है, इस तरह से दोस्तों हमने इसको कवर किया, इस तरह देखिए आप आराम से हम इसे कवर कर देंगे। और जो घोल हमने यहाँ देखिए दोस्तों गाढ़ा तैयार किया है, इसको हम इस तरह से लगा देंगे बीच में, इससे क्या ये बंद हो जाएगा और इसमें ऑयल नहीं जाएगा। इस तरह से हमें इसको करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस तरह से, मैं आपको बता रही हूँ आप उस तरीके से नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए मैं आपको अलग करूँगी। इस तरह से हमने यहाँ पे ये मैदे के घोल लगा दिया है, अब हम इसको इस तरह से बंद, और दूसरे को भी हम इस तरह से कवर कर दें। ये देखिए हमने यहाँ इसको इस तरह से कवर करना है, पर हम कवर कब करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसको इस तरह से बंद करेंगे, इस पर भी हमें यहाँ मैदा लगा लेना। ये देखिए इस तरह से ज़्यादा मोटी मैदा लगा दीजिए जिससे ये बंद हो जाए। तो अब इसे भी हम बंद कर देते हैं यहाँ पे, और इसी तरह से हम इसको भी बंद कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा बंद हो चुका है। अब हमने जो रोल बनाने के लिए तैयार किया है इसको हम आराम से इस तरह से, तो दोस्तों ये तेल में हम इसको रख देते हैं, उसको फ्राई में रखेंगे। तो गरम तेल को आप ऊपर से इस तरह से डाल सकते हैं जिससे कि आसानी से सिक जाएगा, और आपका ऑयल भी नहीं इसमें ज़्यादा भरेगा और बिल्कुल भी नहीं भरेगा दोस्तों। अगर आपका कहीं से फट जाता है तो भी आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा वहाँ पे मैदा लगा कर उसे कवर कर दीजिए। तो दोस्तों ये देखिए हमारा रोल पराठा पनीर वेज तैयार हो चुका है, अब हम इसे निकालेंगे, काफ़ी कुरकुरा हो गया है, और इसको गैस को हमने बंद कर दिया है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये होममेड शीट से तैयार हुआ है, इसकी शीट वैसे बाजार में भी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कट करके ये कितना टेस्टी बना है, ये देखिए इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों ये आप शीट देख सकते हैं कितनी अच्छी है हमारी, ये देखिए। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मैंने आपको ये रेसिपी बनाना सिखाया है दोस्तों उसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।